अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद किया तो मेरे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज की इस व्लॉग का करते हैं आगाज। उससे पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज मैं अपने चैनल का नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज मैं किसी और के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन्हें सपोर्ट करें, मुझसे ज़्यादा उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाकी मैं भी उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई भी उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब उन्हें दुआ भी कर देते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और उसके साथ साथ हम वैसे भी उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें। आपको पता तो चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमने कल ही एक चैनल बनाया है, उसका नाम है मुजम्मल वीर, तो वो हमारे इधर करीब ही रहता है, तो हमें उनके हालात का सारा पता था। तो फिर वो हमारे पास आए थे तो हमने उनको चैनल बना के दिया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। उनके चैनल का नाम मुजम्मल वीर है और उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उनके चैनल पर जाएँ और उन्हें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो ये छोटी सी गुजारिश है, देखिए हम सब मिलके अगर चलेंगे तो एक दूसरे को कामयाब करेंगे, अगर हम अकेले चलेंगे तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए जहाँ तक मुझसे होगा इंशाल्लाह हम सब ज़रूर कोशिश करेंगे और सपोर्ट करेंगे, बाकी आप सब बहन भाई साथ देंगे तभी वो कामयाब होंगे। तो बस ये छोटी सी गुजारिश, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो इंशाल्लाह आप लाजमी एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। यार सियाज भाई काफ़ी देर बाद ट्रक चलाने लगे हैं तो रकबा वेला हो गया है, ओदे वास्ते चकने आ उत्थों रकबा वेला हो गया तो उत्थों रकबा साडा वेला हो गया, उत्थे बिजाई करनी गंदम दी हल वाहुणे आ सैड तो अजे बैठा सैड ते चाचू बड़ी देर बाद ट्रैक्टर ते बैठा पुत्तरा अज कलाचे दे हाथ नहीं लगना अजे ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਟੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ लेके जाऊंगा और सबके लिए भूनूंगा। अंगारों पे किस तरह भूनते हैं हम लोग देहात में, किस तरह छलियाँ पका के गर्म करके लें या हम लोग पे भूनना कहते हैं, वो सारा कुछ करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अभी इन सब छलियों को मैं लेके जाऊंगा घर और फिर घर जाके इनके पर्दे वगैरह उतारेंगे और देखेंगे कौन कौन सी छलियाँ ठीक हैं, जिनमें दाने हैं वो भूनेंगे, जिनमें नहीं है वो माल को डाल देंगे जानवरों को। चलो जी हेबा भी मेरे साथ आई हुई है छलियां लेने, इसकी फेवरेट है छली। मेरी मोटी है। हैं? मेरी मोटी है। की मोटी? छली। मैं तेनु पतली देनी है। हैं? नहीं। हाँ? आप दोनों नहीं खानी पतली। जिन बच्चों को जल्दी थी उन्हें पहले छलियाँ भून के दे रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ आज दो दो तीन तीन खुशियाँ जो है ना वो मिल रही हैं। खुशियाँ इस वजह से मिल रही हैं कि ये देखें आज अम्मी जी अपने हाथों से जो है ना वो कढ़ी बना रही हैं, वो भी मेरी पसंद की, मेरे कहने पे बनाई है अम्मी जी ने। मैं सुबह से कह रहा था कि अम्मी जी आज कढ़ी बना लें कढ़ी बना लें, और अभी देखें अम्मी जी ने कढ़ी बनाना रख दी हुई है।
ये देखें अभी हम मजे से पियेंगे इस कड़ी को, मजा आ जाएगा सच्ची में। मैं बहुत ज्यादा ऐसे कड़ी पीता हूँ। अभी अम्मी जी देख रही हैं कि किन छलियों को दाने हैं वो रखेंगे, जिन छलियों को दाने नहीं है वो जानवरों के लिए जो है ना वो चारे के तौर पे जी वो जानवरों को डाल देंगे। हाँ जी ये किन्ने खानी है? अच्छी मैं खानी है, तू बकरी है तू खाओ। तो अच्छी इन्होंने दाने है जो इधर रखी हैं छली रख तू नी माड़ी माड़ी हैगी आ देखो चलो आ भी दो छली उधर मैं रख के आया मैं चेक कर उधर से। अम्मी जी मुझे निकाल निकाल के दे रही हैं और इधर मैं ना इन घरों पे छलियां भुने जाऊंगा। हाँ जी है इन्हें दाने पे आ अच्छा लिया इतने रखो। अच्छा अच्छा इन उधर रखो मैं भुन दो बेटा। हाँ जी अच्छा हाँ जी अभी पकड़ लिए है अच्छा दो दो पकड़ाओ मनु आ पकड़ के रखो जी आप अभी पकड़ा दो मनु साढ़े घर चुप अभी ऐसे सब तो छली अच्छी बनते हैं मैं तो साड़ सूड़ देना जल्दी जल्दी जल्दबाजी आ देखो जी छलियां भुनन का तरीका थाली नाल हवा भी दे ली दी है एक तो सिर्फ जड़ा है ना फूका मारने की जरूरत नहीं पैंदी वो फिर सही रहते हैं बुझते नहीं। छली कौन ले आके मेरा मोई कितो हेलो चकली ते ले के हां जी पक गए हां थोड़ी जी बस दो ये वाली छली अबू जी के लिए भून के लेके जा रहा हूँ मैं सबसे पहले। ये वाली जल ज़्यादा गई थी इस वजह से नहीं दी थी तो ये वाली कम जली है ये मतलब भाभी जी ने खुद भून के दी है तो ये अबू जी को देंगे एक एक करके जिस जिस तरह भूनते जाएंगे सबको देते जाएंगे। अम्मी जी हाँ जी तुझे तो सारी अंगारे साढ़े कर ले छलियाँ मैं अपने वाले थे कि मैं थोड़ी बार अम्मी जी तो कोई गल नहीं हुई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੀ ਆ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਰੇ ਜਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਗ ਜਲਾ ਦੀ ਥੀ ਤੋ ਮੈਂ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੂੰ ਯੇ ਲੱਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਜਲਾਊਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਜਾਏਂਗੀ। जल्दी जल्दी रोटी पका दो पहली रोटी मैं खानी है। मैं कदों बेटा पराठे खाते सी अम्मी जी ओते दोपहरे खाते सी ना हुण शामी ते हुण ते मैं रोटी खानी है बेटा। अम्मी जी देख लो अम्मी जी देख लो असी भी कोले बना ले देख लो फिर मई दच अच्छा चलो जी रोटियां पक जान पहले आज कड़ी बनी हुई है ते रोटी खानी है उस तो बाद छलियां पौंदे हैं ते थानू भी फिर दिखावांगे।
मतलब कठे खान लग पा असि कहना भी नहीं ज्यादा खा गए मैं थोड़ी खाधी असि रोटी नहीं खानी मजे थानू कौन पता नहीं कहना जुड़वे फैसला लेना हो कोई भी काम करना हो सारे पहले बैठते सलाह मशवरा कर दे फिर अगे उस तो बाद जरा कोई कदम उठाते हैं इसलिए भाई बार दसन डे ने किसाए अक्सर मतलब आते जाते हैं ना जिस कट्ठे काम कर रहे देखते हैं बई वासन या बई जवेर वह कह देंगे कि तुसा मतलब मियाँ बीवी का भी इन्ना प्यार नहीं होंगे कि जिन्ना थोड़ा प्यार मुहब्बत आ कुछ भाई इतने यह भी कहते कि मतलब जिस तरह जुड़वे होंगे ना बच्चे उन्होंने इस तरह प्यार मुहब्बत होंगे वा तो थोड़ा जिस तरह वा हाँ जी छेर लो अच्छा जी रोटी खा रही है तो हूँ असं छलियाँ बुन लगे हाँ छलियां खाने वाली सरकार आ गई है देख लो फिर अजवेद अज अम्मी ने अम्मी ने जेडे रोटी सालन बनाते बल्कि कोले बनाए सी ना अम्मी जी ने अपने चुक ले कहंदी मैं क्यों अपने कोले दवा कहंदी अपने बना लो छलियां ने हां जी अम्मी जी ने हुक्का धर लिया सीगा ते अम्मी जी कहंदी अपने कर लो भाभी आसिया ओनू थोड़ी जी ठंडक के ना तो उधर भी एक छली रख हो सकती है तेरे को छेली नहीं होनी छेलो तो आधार छिलका लग जाता पता वो तो हर साल बीजने थे दिन बोलता है बंदा पट के रख दे चल चल पा दो मैं कभी आटा पियावांगे जा रोटी जो साग ना पका खाया करेंगे पिछले साल भी तक बीज ली सी जो बीज लिया जो दाने पैन लगते ओदो छलियां वड़ के रख दें अम्मी जी नहीं ते की हो चला सी ओकड़ा भी कुछ हो चली सी वड्डी कणक सी नांगी जानी सी कटी कोई नहीं सी हुण 2.5 किलो इधर बीज लो 2 किलो थले बीज लो ये टोटा कर लो इतो लगा के गड्डी ने टिब्बे कोलो दी ये बीज ले दा फुका मारा मारो ना आ काम चंगा आ काम बिल्कुल चंगा जे बंदा ओके ओके मेरे हिबा मैं जिस कमरे सो ना उठे पक्की बैठे छोटे
ਕੰਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਿਮਾਗ ਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸੁਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਆਪੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਆ ਦੇਵਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅੱਬੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਬਣ ਆਜ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲੋ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚਲੋ ठंड लगी है ना ओ आलो चलो उथे नेड़े होवो अम्मी जी थक गई है चलो मैं भी अपनी वारी भगता आया तुम भगता हो अपनी वारी इतो खा और कितो खानी है हिबा ने खा लिया ना हिबा ने सब तो वड्डी छली ले लिया हिबा ने सब तो वड्डी छली लई है चूंड के रख दी फड़ के हाँ जी तीन अगे छलियां चौथी आ नजर नहीं लगती मैं कहना हिबा इन छलियां खा लिया इन्हें एक पहले भी फिर खाधी है मैं जड़ियाँ गिनियाँ तो पहले भी एक खाधी अच्छा हल मेरी मोटो जी ने अल्लाह तला सेहत तंदुरुस्ती देवे ते नसीब चंगे करे ये दूसरी के तीसरी खांदा नहीं ना बस छलियां का कुछ नहीं होंदा ये है नरम नरम ते ना ये नहीं कुछ भी पेट दर्द नहीं करता देखो भाभी आसिया किदा खांदी है छलियां तो भाभी आसिया भी नहीं छड्डदी मेरी छली रखी है देखिए कि नुक्कर च सैड करके रखी हुई भाभी आसिया ओले बथेरे भाई बस आवाज मारो यार क्या हो मेरे बाल खा गए।